Assalamualaikum. नमस्ते गेम चैनल, वेलकम टू आवर चैनल, आवर चैनल सॉरी दोबारा टॉप 10 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन इंडिया। ओके, हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने बड़े बड़े बिजनेसेस जो एम्पायर्स हैं और जो मेन है उनकी सक्सेस को डिस्कस किया, बट वुमेन के बारे में हमने बात नहीं की। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल द लेडीज, वुमेन एम्पावरमेंट। हां बिल्कुल, जो के लोग समझते हैं कि फेमिनिज्म का है, बट ऐसा है कुछ नहीं। जो भी आपको कहना हो वो इसको कहना, क्योंकि ये सिलेक्ट करती है वीडियोस को। तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ सिर्फ, और कोई बात नहीं की मैंने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, ड्रॉप इट। जब आपसे कोई पूछता है कि भारत के सबसे धनवान इंसान के नाम बताओ आप, तो आपका जवाब यही होगा कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा या गौतम अदानी, ऐसे और भी कई नाम आप लेंगे, है ना? क्योंकि हमें लगता है कि ये आदमी ही देश के धनवान आदमी है। तो धनवान इंसान में महिलाएं भी होती है। क्या हमारे देश में महिलाएं धनवान नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और ऐसी कई महिलाएं हैं हमारे देश में जो अपने दम पर धनवान बनी है, अरबपति बनी है। तो इसके नाम क्यों नहीं लेते हम? क्योंकि हमें उन महिलाओं के बारे में पता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे भारत की जो 10 सबसे धनवान महिलाएं हैं, उस बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन महिलाएं इसमें शामिल है, वो क्या बिजनेस करती है, कितने रुपए की मालकिन है वो महिलाएं, कहाँ से है वो महिलाएं, वो सब हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी लीगल है, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वैसे तो कई प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी सेल और बाय करने के लिए, लेकिन कॉइनस्विस कुबेर ऐप वन ऑफ द बेस्ट है एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर के लिए। इस ऐप में आप 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से, जिसमें बिटकॉइन, लिथेरियम, लाइटकॉइन सब क्रिप्टो करेंसी शामिल है। और मिनिमम 100 रुपए का बिटकॉइन भी आप एक क्लिक में खरीद सकते हैं। आज एक बिटकॉइन 40 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन इस ऐप से आप 100 रुपए में बिटकॉइन का थोड़ा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। और इस कारण कॉइनस्विस कुबेर ऐप के साथ 11 ही महीनों के अंदर 30 लाख से ज्यादा कस्टमर जुड़ चुके हैं। क्योंकि इस ऐप के ब्लॉग को पढ़कर आप यह तय कर सकते हैं कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करें। अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस ऐप का, वहां से डाउनलोड करें और साइन अप करने के साथ ही आपको 50 रुपए का बिटकॉइन फ्री में मिलेगा। इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल भी इंस्टेंट है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ KYC करना है, तो डाउनलोड करें और साइन अप करें। और अगर कॉइनस्विस कुबेर ऐप के बारे में आपको ज्यादा जानना है, तो उसके यूट्यूब चैनल के लिंक भी मैंने नीचे दी है, उस पर क्लिक करके आप ज्यादा जान सकते हैं। भारत की सबसे अमीर महिलाओं में नंबर 10 पर है फाल्गुनी नायर। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है सेल्फ मेड फाल्गुनी नायर, जिन्होंने अपने दम पर पैसों का ढेर लगा दिया। फाल्गुनी नायर जो नायका कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है। फाल्गुनी ने नायका की शुरुआत साल 2012 में की थी, जो कंपनी आज काफी ऊंचाइयों पर है। उन्होंने न सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट की जरूरत को जाना, बल्कि उसे ही अपना बिजनेस बना दिया। और बात करें आज उनकी जो संपत्ति है उसकी, तो फाल्गुनी नायर के नेटवर्थ 5410 करोड़ रुपए है आज। नंबर 9 पर है एक साथ दो महिलाएं, अनु आगा और मेहर पद्मजी। जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि अनु आगा और मेहर पद्मजी माँ और बेटी है, और इस माँ बेटी की सफल जोड़ी ने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। यानी माँ बेटी की यह जोड़ी सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। साल 1994 से अनु आगा और मेहर पद्मजी थर्मेक्स लिमिटेड कंपनी को चला रही है। अनु आगा थर्मेक्स लिमिटेड कंपनी की पूर्व चेयरपर्सन थी, और उनकी बेटी मेहर पद्मजी वर्तमान चेयरपर्सन है इस कंपनी की। और ये दोनों सोशल वर्क यानी सामाजिक कामकाज में भी काफी आगे होती है। तो इन दोनों की कंबाइंड नेटवर्थ 5850 करोड़ रुपए है। इस कारण ये माँ बेटी की जोड़ी सबसे अमीर भारतीय महिलाओं की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। नंबर 8 पर है मल्लिका सिरायू आमीन। मल्लिका सिरायू आमीन एलेम्बिक लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, CEO और MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है। मल्लिका एक नहीं बल्कि कई बिजनेस संभालती है। ओलंपिक ग्रुप की स्थापना साल 1907 में हुई थी, और इसका मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में है।
बहु प्रतिभाशाली मल्लिका का नाम सेरा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बोर्ड में भी शामिल है। इसके अलावा शेरनो लिमिटेड, आवरण टेक्सटाइल लिमिटेड और सेरा हेल्थ केयर लिमिटेड भी इसके ही हिस्से में है। उनकी कुल संपत्ति आज यानी 2021 में 7,570 करोड़ रुपए है, जिस कारण मल्लिका का नाम 8वें नंबर पर आता है। नंबर 7 पर है रेनो मुंजाल। रेनो मुंजाल हीरो फिनकॉर्प की मैनेजिंग डायरेक्टर है। रेनो मुंजाल के एक साल की कमाई 8,690 करोड़ रुपए है। इसके अलावा रेनो मुंजाल इजी बिल के बोर्ड में एक निर्देशक के रूप में भी काम करती है तथा हीरो मोटोकॉर्प की पूर्व कार्यकारी निर्देशक है। रेनो मुंजाल बिजनेस के साथ साथ अक्सर महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट पर भी काम करती रहती है और सबसे अमीर भारतीय महिलाओं में रेनो मुंजाल आज 7वें नंबर पर है। नंबर 6 पर है जयश्री उल्लाल। जयश्री उल्लाल का जन्म 27 मार्च 1961 में हुआ था। जयश्री एक अमेरिकी अरबपति महिला है। जयश्री एरिस्टा नेटवर्क की प्रेसिडेंट और CEO है और अरबपति बिजनेस वुमन है, जो आज भारत में नहीं बल्कि लंदन में रहती है। उनकी कंपनी खास तौर पर इथरनेट नेटवर्किंग डेटा पर काम करती है, जिससे उनकी नेटवर्थ 10,220 करोड़ रुपए हो जाती है, इसलिए वे आज 6वें नंबर पर है। नंबर 5 पर है राधा वेम्बू। राधा वेम्बू एक बिलियनरी अरबपति भारतीय बिजनेस वुमन है। राधा वेम्बू जोहो कॉरपोरेशन, जो एक भारतीय सॉफ्टवेयर विकास कंपनी है, उसकी सबसे बड़ी स्टॉक होल्डर है। वेम्बू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास से शिक्षा और डिग्री हासिल की थी। जोहो कॉरपोरेशन उनके भाई श्रीघर वेम्बू द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने साल 1996 में एडवर्टनेट के रूप में व्यवसाय शुरू किया था। राधा वेम्बू इस कंपनी के बहुसंख्यक हिस्सेदारी की मालिक है और कॉपर्स फाउंडेशन के निर्देशक भी है। असल में राधा वेम्बू खुद को लाइमलाइट से दूर रखती है। आज राधा वेम्बू भारत के चेन्नई में रहती है और वेम्बू की कुल संपत्ति 11,590 करोड़ रुपए है, जिसके साथ सबसे अमीर भारतीय महिलाओं की लिस्ट में वेम्बू 5वें नंबर पर आती है। नंबर 4 पर है नीलिमा मोटापत्री। नीलिमा मोटापत्री भारत की फेमस डेविस लेबोरेटरीज की डायरेक्टर है। इसके अलावा डेविस को छोड़कर 10 ऐसी कंपनियों के बोर्ड में भी नीलिमा का नाम शामिल है। डेविस लेबोरेटरीज, जो पहली बार डीवी के रिसर्च सेंटर के रूप में साल 1990 में स्थापित किया गया था। इस कंपनी में शुरू में API और मध्यवर्ती निर्माण के लिए वाणिज्यिक प्रक्रियाओं को विकसित करना शुरू किया। डेविस रिसर्च सेंटर ने साल 1994 में डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड का नाम बदलकर API कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने साल 1995 में तेलंगाना के चोटप्पल में अपनी पहली विनिर्माण सुविधा स्थापित की। फिर साल 2002 में कंपनी की दूसरी विनिर्माण सुविधा विशाखापट्टनम के पास चिप्पाड़ा में शुरू हुई। फिर इस कंपनी ने 17 फरवरी 2003 को अपने IPO निकाले और फिर साल 2010 में कंपनी ने हैदराबाद में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। इस प्रकार से नीलिमा के परिश्रम के फलस्वरूप वर्तमान समय में भारत की सबसे अमीर महिलाओं में 4थे नंबर पर आती है। नंबर 3 पर है लीना गांधी तिवारी। लीना गांधी तिवारी एक भारतीय व्यवसायी होने के साथ साथ एक लेखिका भी है। वह मल्टीनेशनल फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी USV की चेयरपर्सन है, जो मुंबई में स्थित एक इंटरनेशनल मेडिसिन बनाने की कंपनी है। लीना गांधी तिवारी एक सफल बिजनेस वुमन है। वैसे यह कंपनी लीना के दादा ने शुरू की थी। USV कंपनी की शुरुआत लीना गांधी के दादा श्री विट्ठल बालकृष्ण गांधी ने साल 1961 में की थी। USV कंपनी मधुमेह यानी डायबिटीज और हृदय संबंधी दवाओं के साथ साथ बायोसिमिलर दवाओं, इंजेक्शंस और सक्रिय दवा सामग्री बनाने में माहिर है। लीना अपने दादाजी की कंपनी को अपनी मेहनत के बलबूते कामयाबी के शिखर तक ले गई। इस कारण आज लीना गांधी तिवारी 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मालिक है। इसलिए लीना गांधी तिवारी भारतीय धनवान महिलाओं में 3रे नंबर पर आती है। नंबर 2 पर है किरण मजुमदार शो। किरण मजुमदार शो एक भारतीय बिजनेस वुमन, टेक्नोक्रेट और बायोकॉन के संस्थापक है। इनका जन्म 23 मार्च 1953 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। किरण मजुमदार बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष और निर्देशक है और इसके साथ ही वे सिटीजन इंटरनेशनल लिमिटेड और क्लिनिजन इंटरनेशनल लिमिटेड की भी अध्यक्ष है। किरण ने बायोकॉन की शुरुआत साल 1978 में की थी और साथ ही साथ इन्होंने उत्पादकों के अच्छी तरह से संतुलित व्यापार पोर्टफोलियो तथा मधुमेह, कैंसर विज्ञान और आत्म प्रतिरोध बीमारियों पर केंद्रित शोध किया। उनके साथ इन्होंने बायोकॉन को एक औद्योगिक एंजाइमों के निर्माण कंपनी से विकसित कर
पूरी तरह से एकीकृत जैविक दवा कंपनी बनाई। उन्होंने दो सहायक कंपनियों की भी स्थापना की, जिसमें साल 1994 में सिंजिन और साल 2000 में क्लिनिजेन कंपनी। अपने मेहनत और लगन की वजह से आज वे 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मालिक है। इस कारण किरण मजूमदार शो भारत की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है। और भारत की सबसे धनवान महिला है रोशनी नाडर मल्होत्रा। रोशनी नाडर HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन है, जिन्होंने अपने पिता के बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। उनके नेटवर्थ 54,850 करोड़ रुपए है। और इतना ही नहीं, साल 2020 में रोशनी का नाम फोर्ब्स की रिपोर्ट में दुनिया की 100 पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में 55वें नंबर पर रखा गया था। यह पहली भारतीय महिला है जो एक लिस्टेड IT कंपनी चलाती है। रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL एंटरप्राइज की कार्यकारी निर्देशिका और CEO है। वह HCL के संस्थापक शिव नाडर की एकमात्र संतान है। और IIFL की 2019 की लिस्ट के अनुसार रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला है। रोशनी नाडर HCL कॉरपोरेशन की CEO बनने से पहले शिव नाडर फाउंडेशन के ट्रस्टी के रूप में काम करती थी, जो चेन्नई के श्री शिव सुब्रमण्यम नाडर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को चलाता है। तो ये थी भारत की 10 सबसे धनवान महिलाएं। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल अभी हमें आइडिया नहीं था कि कौन किस नंबर पे है और कौन इवन किस लिहाज। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई फीमेल भी इस सेंस में इतना ज्यादा हो सकती है। अदरवाइज बिजनेस वुमेन होती हैं, बट हमने उस तरह से नहीं सोचा था, मतलब एक इस लेवल पे नहीं सोचा था कि फोर्ब्स में भी उनका नाम है, तो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका है नाम, तो इस तरह से हमने नहीं सोचा था। बट ये बहुत ही मुझे लगता है तमाम जितनी भी फीमेल्स है सबके लिए एक प्राउड की बात है और एक बड़ी मोटिवेशनल बात है। और जो एक उन्होंने बताया था कि माँ और बेटी एक पूरा चलाती है उसे, तो ये काफी हद तक औरतों के लिए एक इंस्पिरेशनल वीडियो थी, जिससे औरतों को ये इंस्पिरेशन मिले जो घरों में रह रही हैं और डिफरेंट चीजें करती हैं। जरूरी नहीं है आपके पास बहुत सब कुछ हो, बहुत ज्यादा आपके पास सोर्सेज हो और उनको आप लेकर अपना कोई बिजनेस रन करो, दिस इज नॉट नेसेसरी। अगर आप इनिशियल लेवल से भी बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करते 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 आप अपने माइलस्टोन को अचीव कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। आप छोटी चीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जरूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ा ब्रांड हो। आप छोटी चीज से शुरुआत कर सकते हो, क्या पता फिर इस तरह से आपका कोई बड़ा ब्रांड भी बन जाए। और इससे मुझे एक मूवी याद आ गई जिसमें अनुष्का शर्मा होती है, उस मूवी का नाम है सुई धागा। तो वो लोग उनका अपना छोटा सा बिजनेस होता है, फिर उसको वो मेड इन इंडिया बहुत बड़ा करते हैं, तो बड़ी मोटिवेशनल मूवी है वो भी। तो ओवरऑल इस वीडियो को देख के मुझे पर्सनली बीइंग अ वुमन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा एक काफी इंस्पिरेशन मिली। और इस तरह की वीडियोस जो है वो देखनी चाहिए, ताकि हम जैसे जो यंग जो गर्ल्स हैं उन्हें मौका मिले। बिल्कुल फारिग नहीं हूँ मैं, मुझे लगता है कुछ साल बाद इस लिस्ट में टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स उनके नाम उनका ही आएगा, क्योंकि क्या बोल, नो कमेंट्स। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट्स कर दें हमें प्यारे प्यारे से। Yeah, that's it. प्यारे प्यारे से कमेंट्स, जो कमेंट आप करना चाहते हैं वो करें। और इस तरह की कोई और वीडियो पे आप हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट्स में। और इस तरह का कोई बिजनेस भी अगर आप वुमेन है तो ट्राई कर सकते हैं कुछ करने के लिए, कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। ना भी वुमेन है तब भी ट्राई कर ले यार, कोई तो तब तो करना ही है, तब तो करना ही है, बट अगर वुमेन है तो कंपलसरी है। हाँ बिल्कुल। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।